अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हमने इंसुलिन ज़्यादा ले ली या एक दो गोली ज़्यादा ले ली, तो एकदम से कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो जाती है। अच्छा, इंसुलिन मतलब हार्ट अटैक का कारण भी हाँ, बन सकता हार्ट है। अटैक का कारण बन सकता है। तब आपको पता चलेगा कि लोग इंसुलिन से ज़्यादा मर रहे हैं, डायबिटीज से कम मर रहे हैं। अच्छा, इंसुलिन से ज़्यादा मर रहे हैं। हाँ जी, तो ये ट्रीटमेंट इंसुलिन देना डायबिटीज़ में बिल्कुल गलत हो गया है। 20 टाइप के डायबिटीज होते बीस हैं टाइप के आयुर्वेद डायबिटीज में। होते हैं। डायबिटीज़ को मैनेज करना है, घर बैठे हो जाना है, और बहुत ही आसान है। एक बार आपने इसको कंट्रोल कर लिया ना, आपकी हार्ट की बीमारी भी ठीक होती है, आपकी ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, और आपको बहुत सारे जैसे कैंसर वैंसर ये सब हमारे टिश्यू के अंदर जो चेंजेज आते हैं वो सब रुक जाएंगे। आपकी 250 तक भी हो जाती है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर ये इतना हल्ला क्या क्यों होता किया है? जाता हल्ला है? इसलिए है क्योंकि दवाइयाँ बिकनी है, इंसुलिन बिकनी है, ओके। यहाँ षड्यंत्र आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। डायबिटीज भारत में एक कॉमन बीमारी बन चुकी है और बहुत तेजी से भारत में फैल रही है। करोड़ों लोग डायबिटीज से भारत में प्रभावित हैं, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करना उतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसान है घर बैठे डायबिटीज को कंट्रोल करना, लेकिन डायबिटीज को हमने इतना टिपिकल और मुश्किल बना दिया है कि आज डायबिटीज के कारण लोगों की मौत भी होने लगी है। ऐसा माना जाता है कि 2030 तक भारत में 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज होगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर विजय वर्मा से बात करेंगे डायबिटीज के बारे में कि कैसे डायबिटीज को आप घर में बैठकर ही बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि मार्केट में मिलने वाले ये इंसुलिन्स और शुगर फ्री गोलियां, टैबलेट्स या पाउडर्स कितना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर विजय वर्मा एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद भी ये पिछले 12 सालों से आयुर्वेद से ही लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच। और सभी जो दर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और मेरी बात सुनने के लिए आज मुझे आपने मौका दिया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेल्थ का आज की डेट में। साथ ही मैं बता दूँ कि हमारा जो ये जेपी हेल्थ पैराडाइज है, वो डायबिटीज़ ही नहीं, हम सीरियस आईसीयू केसेस को आयुर्वेद से हैंडल कर रहे हैं। कोरोना में हमें सक्सेस मिल गई है, और डेंगू वायरल फीवर वगैरह ये सब हम देख रहे हैं, कैंसर के केसेस यहाँ पे ठीक होते हैं। तो डायबिटीज़ के में जब आएंगे तो डायबिटीज़ कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। जी अब डायबिटीज़ की अगर आप बात करते हैं तो डायबिटीज़ कहते हैं कि जब ब्लड के अंदर शुगर बढ़ बढ़ जाता है। जाती है। अब ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम ज़्यादा शुगर लेने लगते हैं। शुगर जो बना है वो हमारी बॉडी के लिए बना है, हमें चाहिए उसको, हमारी नीड है वो, क्योंकि उससे एनर्जी बनती है। अभी हम देखते हैं कि सूरज निकल रहा है, तो जो सूरज की किरणें जब प्लांट्स के ऊपर पड़ती हैं तो जी, क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? शुगर। शुगर। उन शुगर से ही फल बनते हैं, उन शुगर से ही चावल बनते हैं, आटा बनता है, खाना बनता है, हमारे सब कुछ जो आता है वो सूर्य से आ रहा है। और उससे जब वो क्लोरोफिल से सूर्य से रिएक्शन होने के बाद में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड खा लेता है प्लांट और ऑक्सीजन निकाल देता है। उसका उल्टा प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। हम शुगर खाते हैं, वो शुगर हमें एनर्जी देता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ये एक साइकिल जी, है। अब ये नॉर्मल साइकिल चलती रहती है, हम लोग जीते रहते हैं। जितने जानवर हैं वो भी तो खाते हैं, उनको तो ब्लड शुगर क्यों नहीं होता, तो हम लोग क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है कि हमने उस जो एक केमिकल्स के थ्रू सब कुछ खराब करके उसको कंसंट्रेट फॉर्म में हमने ग्लूकोज निकाल लिया, जैसे हम चीनी निकाल लिया हमने, या कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज ले लो, या कार्बोहाइड्रेट एक साथ खूब सारा खा लिया हमने, खूब सारे ये पास्ता वास्ता और ये सब मैदा की चीज़ें का, जो चावल बहुत सारा, आलू एक साथ खूब सारा खा लिया, और चीनी खा ली, और मिठाई वगैरह खानी शुरू कर, तो हमारी बॉडी के ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाता है। जब हम खाते हैं तो वो अल्टीमेटली शुगर में बदल, जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में जब चढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं डायबिटीज़ हो गई। उसके लिए हमारे जो अभी मॉडर्न साइंस है उसमें जांच करते हैं और कहते हैं तो ये ब्लड शुगर 120 हो गई, 250 हो गई, 300 हो गई,
फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, इतनी, ये हमारे एक पैरामीटर बना लिए। लेकिन आज की डेट में शुगर का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग हो चुका है। और जान के आपके ताज्जुब होगा कि अब तक जो एक समझ थी वो समझ ये थी कि हम ग्लूकोज के लेवल को जो ब्लड में बढ़ गया है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं उसको ठीक करने के लिए हमें ब्लड का जो शुगर का लेवल है उसे कम करना है जी। अब उसे कम कैसे करेंगे, तो ये देखा गया कि हमारे शरीर के अंदर एक इंसुलिन पदार्थ निकलता है, वो सिक्रीशन होता है, वो हमारे पैनक्रियास से निकलता है। तो दिमाग में सबके ये आ गया जो वैज्ञानिक थे कि भैया इंसुलिन की कमी है और इसको इंसुलिन दे दो। अच्छा, इसलिए इंसुलिन बढ़ गई। लेकिन कमाल ये है, और अभी जो रिसेंट रिसर्चेज आ रही हैं और अमेरिका से ही आ रही हैं, तो एक डॉक्टर जैसोन भी है, मैं नाम लिया हूँ, उसमें आप ज़रूर सर्च करके देख लीजिए। तो अभी जो हो रहा है डायबिटीज़ का नाम जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देना। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है कि जब हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है तो उधर से उसको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल प्राकृतिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में है सेफ्टी का, वहाँ इंसुलिन निकलती है और उस शुगर को डाउन कर देती है। अब हमारी बॉडी का इंसुलिन जो है जब हम जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा खा लेंगे तो वो इंसुलिन कितना काम करेगी। बिल्कुल। और हमारे जो अंदर सेल हैं, जैसे सेल क्या होते हैं, हमारी जो ये पूरी पूरी एक बिल्डिंग है उसके अंदर जो ईंटें लगी हुई है ये एक सेल है। ऐसी हमारी ये सेल है, ये सेल एक के ऊपर रखे हुए हैं और बिलियंस और ट्रिलियन सेल से हमारी ये शरीर बनता है। हर सेल के अंदर भट्टी होती है जहाँ पे ग्लूकोज को फूका जाता है, जलता है ग्लूकोज, उसको ATP कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो। अब क्या होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर हो गया और सेल के अंदर जाने लगता है तो सेल के जो गेट हैं वो बंद कर देते हैं। गेट बंद क्यों करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर आप डाल दोगे, कहीं आग जल रही है उसमें बहुत सारी आप सामग्री डाल दोगे तो वो बुझ जाएगी, लोग मर जाएंगे। अब क्या होता है कि वो इंसुलिन जो है ना बॉडी की जब ज़्यादा निकलती है तो सेल जब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं तो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। मतलब उस सेल्स ने कहा मुझे नहीं चाहिए और ग्लूकोज, इंसुलिन इधर से आप डाल रहे हो और उसके दरवाजों को बंद कर खोलने की कोशिश कर रहे हो और ज़्यादा शुगर जिससे अंदर चला जाए। तो ये ट्रीटमेंट इंसुलिन देना डायबिटीज़ में बिल्कुल गलत हो गया है। लेकिन सब बहुत से लोग तो मतलब रोज़ दो दो टाइम शायद इंसुलिन ले रहे हैं, या खाने के टाइम पे तीन टाइम खाते तो तीन टाइम इंसुलिन ले लेते हैं वो, तो किस लेवल पे इंसुलिन लेना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? आपकी ये जो बात जो है जी वो एक बहुत बड़ी इग्नोरेंस की बात बोल रहे हो जी। और ये इग्नोरेंस कहाँ से आई, ये हम लोगों के डॉक्टर्स को अभी समझ नहीं आई। जो लोग अभी हम रिसर्च में हैं, हम ये आयुर्वेद को, पंचकर्मा आयुर्वेद को हम ICU के अंदर कर रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जहाँ ऑक्सीजन में लगी हुई है वहाँ भी मैं आयुर्वेद को अप्लाई करता हूँ और मेरे रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं जिसके मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब आपने जो कहा तीन बार इंसुलिन ले रहे हैं, तो जो देने वाला डॉक्टर है उसको ये नहीं पता कि इंसुलिन रेजिस्टेंट आज की डेट में एक नया नाम आ गया। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट टोटल चेंज हो चुका है, ये मैं नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा इस समय जो टॉप मोस्ट मेडिकल वर्ल्ड है, जो हमारा साइंटिफिक एक इरा है, और मेनली USA से, यूरोप से, वहाँ के जो लोगों ने डायबिटीज़ का मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज कर दिया जी। उसमें अब इंसुलिन देना बंद। लेकिन सर इंसुलिन लेना गलत है ऐसा आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं रिसर्चेज भी यही कहती है, और इंडिया के बाहर तो कई जगह इंसुलिन को बंद कर दिया गया, मना कर दिया है, तो इसके साथ ही शुगर फ्री पाउडर, शुगर फ्री टैबलेट्स लेते हैं, वो कितना सही है? अभी हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं जी, क्योंकि वो तो एक अल्टरनेटिव हो गया। अब हमको डायबिटीज़ का अगर मैनेजमेंट करना है और इंसुलिन बंद करना है, आप कहोगे डॉक्टर साहब उसकी तो शुगर बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन जब दूसरा मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कई तरह के प्रॉन्ग्स होते हैं, मतलब हमको इधर से भी अटैक करना है, इधर से भी करना है, इधर से भी करना है, कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम खाते हैं उससे शुगर बनता है, तो हम क्यों ना कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर दें अपनी डाइट से, मीठा खत्म बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, जैसे चावल ज़्यादा हो गया, आलू वगैरह ज़्यादा हो गया, मिठाई ज़्यादा होगी, शुगर की बहुत सारी चीज़ें आपने खानी कर दी, उसको एकदम से बंद कर दो, फिर खाएंगे क्या? उसके लिए हम कहेंगे भैया हरी सब्जी वगैरह खूब खाओ, सूप बना के पियो, और उसके बाद अगर बहुत मीठे की इच्छा होती है तो मुनक्का वगैरह ले लो, फ्रूट्स ले लो,
गुड़ ले लो, जैगरी ले लो, जिससे धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बढ़े, तो हमारी बॉडी का इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेगा। और दूसरा एक्सरसाइज, कि जितनी हमारे अंदर शुगर है उसको आप कंज्यूम कर लो, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे सेल्स के अंदर जलेगा ज़्यादा, तो वो जो ब्लड शुगर है जो ब्लड के अंदर है वो जल जाएगी जी। तो हमारी अभी जो ये जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर इसी तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। अब रही इंसुलिन की बात, इंसुलिन के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देखो, तब आपको पता चलेगा कि लोग इंसुलिन से ज़्यादा मर रहे हैं, डायबिटीज़ से कम मर रहे हैं। अच्छा, इंसुलिन से ज़्यादा मर रहे हैं। हाँ जी, कोरोना के अंदर जितने लोगों की डेथ हुई है जिसको कोमॉर्बिड कहते हैं, वो अधिकांश वो लोग थे जो डायबिटिक का ट्रीटमेंट ले रहे थे जी, इसलिए उनका इन्फ्लामेशन इतना फास्ट हो गया, इसीलिए उनकी जो इम्यूनिटी एकदम से जो था साइक्लोटोमिक जो स्टॉर्म जो आता है कि वो एकदम से जो आया वो बॉडी को चेंज करती है और ख़त्म करती है। तो ये एक बहुत बड़ा अभी हमने सामने देखा है। और क्रॉनिक, अब ये कहते हैं कि डायबिटीज़ अगर ज़्यादा बढ़ती रह गई तो हमारे सेल फेलियर हो जाएंगे जी। यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च ऐसी आ रखी हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है कि जब हमारी शुगर की लेवल ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ती है, वो इतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हमने इंसुलिन ज़्यादा ले ली या एक दो गोली ज़्यादा ले ली, तो एकदम से कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो जाती है। अच्छा, इंसुलिन मतलब हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। और दूसरे क्या होता है, एकदम से आपने हाइपोग्लाइसीमिया कर दिया, मतलब ब्लड शुगर एकदम से लो हो गई, लो ब्लड शुगर होते ही उसको एकदम से झटके लगेंगे, उसको कन्वल्जन्स हो जाएंगे, उसको स्वेटिंग होगी, उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। सर, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है लेकिन वो इंसुलिन लेते हैं, तो क्या वो बाद में उनके लिए मेजर प्रॉब्लम बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन जी जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हमारी इन्फ्लामेशन होता है कैसे, इम्यूनिटी की वजह से होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जाएगी तो इन्फ्लामेशन होगा, हमारे सेल आएंगे, उस पर लड़ाई होगी और बीमारी को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा एक नेचुरल प्रोटेक्टिव सिस्टम है। अब जो हमारे इंसुलिन जो हम दे रहे हैं वो क्या काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को ये कम करता चला जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक जो एक्यूट प्रॉब्लम है वो क्रॉनिसिटी में बदल जाती है, उसकी वजह से जो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ भी सकती हैं। इसमें मैं अभी इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वो पर्सन टू पर्सन हम बोल सकते हैं जी कि किस पेशेंट को कितना दिन का दिया गया, क्या उसकी स्थिति, क्या इतना उसका वेट है, और बहुत सारे जाँच। अभी आपने जब डायबिटीज़ की बात करी तो मैं आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके डॉक्टर ने क्या कभी आपके ब्लड के इंसुलिन के लेवल का जांच कराई है? okay. तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 1-2% ने कराई होगी। अब डॉक्टर को इंसुलिन लेवल नहीं पता कि उसके सीरम या ब्लड के अंदर कितनी इंसुलिन है अपनी खुद की बॉडी की, तो वो कैसे एडवाइस कर रहा है कि और इंसुलिन दे दो? बिल्कुल। तो इंसुलिन लेवल फास्टिंग की और पीपी, इंसुलिन लेवल जांच होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में दूसरे और पैरामीटर्स हैं, जैसे इन्फ्लामेशन है, उसके लिए हम सीआरपी देखते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, तो उससे हमें पता चल जाता है कि अंदर कितनी आग लग रही है, कितना हमारे जो अंदर के सिस्टम है, अंदर के ऑर्गन है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन क्रॉनिक चल रहा है जो कि भविष्य में बहुत सारी बीमारियों को जनरेट कर सकता है। दो जांच बहुत ज़रूरी है, बाकी तो सारे LFT है, KFT है, CBP है, हीमोग्लोबिन है, ये जाँच एक रूटीन जाँच है, लेकिन इंसुलिन लेवल बहुत ज़रूरी है, वो कोई नहीं कर रहा है। वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है मेडिसिन जो टैबलेट्स लेते हैं, वो शुगर फ्री वाली टैबलेट, आजकल तो मिठाइयाँ भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी सब शुगर फ्री आने लगे हैं। उसको तो मैं बिल्कुल ही नकारता हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। हम कह रहे हैं कि आप टोटल शुगर बंद करो, उसको आप नेचर को, अपनी बॉडी को धोखा दे रहे हो।
आप मॉलिक्यूल वो दे रहे हो कि जिससे हमारे जीभ के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, हमें ब्रेन में ऐसा लगता है कि जैसे वो हमने चीनी खा ली, क्योंकि हमें को स्वाद तो यहाँ से आता है ना जी। अगर किसी के गले में नाक में नली पड़ी हो तो उसे कोई स्वाद नहीं आएगा। तो इस स्वाद को आपने यहाँ पे तो स्विच खोल दिया कि हाँ भैया स्विच मिठाई आ गई, स्वीट आ गया जी। लेकिन आप इसको भी धोखा दे रहे हो और इसको भी धोखा दे रहे हैं, तो ये तो धोखेबाजी हो गई शरीर के साथ। तो जब धोखेबाजी होगी तो उसका रिजल्ट दूसरा मिल जाएगा जी। हमारे जो मॉलिक्यूल आपने दिए हैं वो दूसरी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, वो दूसरे टॉक्सिन्स बन सकते हैं, उसके और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सब दर्शकों को ये भी कहूँगा कि आप अपने मुंह में जो भी दवाई डालते हो, चाहे वो शुगर फ्री हो, चाहे वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो, चाहे वो बॉडी में इंसुलिन हो, आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स जरूर पढ़ो। बिल्कुल, आज का ज़माना एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज का ज़माना है, ज्ञान का ज़माना। हमारा बिल्कुल भी ये मोटो नहीं है कि हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है। हमारा मोटो तो सिर्फ ज्ञान को बढ़ाना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक पावर होती है। आज की डेट में अगर हम लोग मर रहे हैं उसका कारण लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अज्ञानता है। वो आपके यूट्यूब में बहुत है, आपने शुरुआत करी दी है जी। और मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अब साइड इफ़ेक्ट्स देखना शुरू कर दिए। हाँ जी सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा इसमें, शुगर कैसे पता चलता है कि इंसान को शुगर कम हो रहा है या घट रहा है, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं शुगर के पता लगने के? देखिए नॉर्मल लेवल पे अगर हम जो डायबिटिक नहीं है जब उसको, तो जब शुगर कम होगी एकदम से भूख लगेगी जोर से। भूख लगने का मतलब यह है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो गई, घबराहट सी होने लगेगी। हाँ। जैसे कुछ खाया अच्छा लगने लगा जी, खाती फीलिंग और वार्म आती है। हम भूखे बैठे हुए हैं, कभी व्रत कर रहे हैं और नहीं खाना खाया, काम ज़्यादा कर लिया, तो एकदम से गुस्सा चिड़चिड़ाहट भी होने लगती है जी। और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और रिएक्शन भी ऐसी हो जाती है, हम डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है कि यार पहले मैं कुछ खा लूँ। तो सबसे पहले भूख लगती है, तेज़ भूख लगती है, घबराहट सी भी हो जाती है, बीपी भी चेंज हो सकता है, पल्स रेट भी बढ़ सकती है। तो ये है सिम्टम। और शुगर लेवल बढ़ने का क्या क्या सिम्टम्स है? शुगर लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्यास लगती है, प्यास और डिहाइड्रेशन भी होता है, क्योंकि जो बॉडी का फ्लूड है वो इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रासेलुलर में आता है, मतलब हमारे सेल्स के अंदर के जो फ्लूड है वो निकल के बाहर हमारी ब्लड वेसल्स के ब्लड में आ जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके बाद उसे प्यास बहुत लगती है, उसके बाद उसके बार बार बाथरूम होने लगता है। ये शुरू के तीन लक्षण आते हैं बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया में। उसके बाद फिर लंबा चलता है तो फिर उसको और प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है। अच्छा, और क्या होगा कि उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव शुगर जो है हमारी बॉडी उसको बचाने के लिए उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है जी। और वो फैट फिर हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। सर ये टाइप 1 टाइप 2 शुगर क्या है फिर? देखिए टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या होता है, टाइप 1 वो है डायबिटीज़ जो बच्चे जो पैदा हुए उनमें जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स थे पैनक्रियाज के बने नहीं, तो वो जन्मजात डायबिटीज़ कहते हैं। और टाइप 2 में जो होती है जो एक्वायर डायबिटीज़ है, मतलब जो एक 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में उसका वेट बढ़ गया, उसका खान पान अलग हो गया, लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो गई, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो वो उसमें पैनक्रियाज है, उसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है, उस डायबिटीज़ को आप टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। सर आप वैसे तो MBBS MD हैं और एलोपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन 12 साल से आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास आज तक कितने पेशेंट क्योर होके गए हैं डायबिटीज़ के आयुर्वेद से, और आयुर्वेद से कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए हमारे यहाँ 100% 100% और कितना टाइम लगता है? वो उसकी लाइफ स्टाइल में। अच्छा, अगर मैं उसको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे चलना है तो ऐसे ऐसे चलना है। अब आपने कहा करते कैसे, तो इसमें खाली हम यही नहीं करते कि देखिए कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है ये एक प्रोटोकॉल के साथ होता है। आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा नुकसान उन आयुर्वेदाचार्यों ने किया है जो एक ही बूटी को कहते हैं ये खा लो कोरोना ठीक हो जाएगा, ये खा लो BP ठीक हो जाएगा, ये खा लो, तो ये व्यापार हो जाता है। हमारी जो भारतवर्ष की सभ्यता है, संस्कृति है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, इसको कोई काट नहीं सकता। मेरे पास पूरे सबूत हैं और अकाट सबूत हैं जिसको काटा नहीं जा सकता, अकाट। अब
यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप ही की कुछ इच्छा अपनी पूर्ण करने के लिए दूसरों को धोखा देना हो और व्यापार करना हो, तो आप क्या करोगे? उसी चीज़ को दूसरी तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे। प्रेजेंटेशन के आयुर्वेद अपनी जगह सक्षम है सब काम करने जी। लेकिन अब हमें अपना धंधा करना है। मैंने 10 मरीज ठीक कर दिए, आयुर्वेद महान है, आयुर्वेद महान है, ये गोली खा लो सब। अब हमने फार्मेसी खोल ली और दवाई खोल बदल ली, यहाँ पे आयुर्वेद का नुकसान हो रहा है जी। तो मैं सभी आयुर्वेदाचार्यों से भी और सभी आयुर्वेद के व्यापारियों से भी कम से कम ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आयुर्वेद जो महान है ना, उसको नीचा ना करें, आप ट्रीटमेंट करें। और ट्रीटमेंट जैसे हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं, हम पूरे पढ़े हुए, हम एक ट्रीटमेंट करते हैं, एक डायग्नोसिस बनाते हैं जी। डायग्नोसिस बनाने के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पेशेंट की जांच करते हैं, फिर डायग्नोसिस होती है, फिर उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट करते हैं जी। तो प्रैक्टिकली आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या हुआ, उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करो भैया, घूमना शुरू कर दो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, ये मत खाओ, फास्टिंग करो, इंटरमीटेंट फास्टिंग। आपको आश्चर्य होगा कि अभी पिछले 5 साल के अंदर सारी रिसर्च ऐसी आ रही हैं जो आयुर्वेद को प्रतिष्ठित कर रही हैं। हाँ। वो कैसे? अब जब हम फास्टिंग की बात करते हैं, आजकल वो वेस्ट में बहुत इंटरमीटेंट फास्टिंग हो रहा है, बहुत इफेक्टिव है, मतलब एक दिन छोड़कर इंटरमीटेंट। हाँ। लेकिन पहला पुरस्कार जापानी साइंटिस्ट को मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, जिसने ये शो करके दिखा दिया कि फास्टिंग से हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। और जो आयुर्वेद है उसमें कहा है कि लंघन परम औषधम, लंघन मतलब फास्टिंग, लंघन मतलब लांघना, कि जो मेरा 12 बजे का खाना है लंच को, उसको मैंने लांघ दिया, नहीं खाया। शाम को लांघ दिया, नहीं खाया, उसको लंघन हो गया। परम औषधम सबसे बड़ी औषधि है, फास्टिंग, नोबेल प्राइज मिल गया। और हमें आयुर्वेद को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या चाहिए भाई? उसके बाद लाइफ स्टाइल जी। अभी आपने टाइप 1 टाइप 2 की बात करी, और मेरा जितना नॉलेज है आयुर्वेद के अंदर प्रमेह कहते हैं इसको, मधुमेह कहते हैं इसको, 14 तरीके के होते हैं। 14 तरीके के? 14 टाइम्स। क्यों डॉक्टर साहब, 14 टाइम्स 20 टाइम्स होते हैं। लीजिए, हमारे जो आयुर्वेद के पंचकर्म स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हैं, 20 टाइप के डायबिटीज होते हैं। जितनी नॉलेज आयुर्वेद के अंदर है ना, अभी हमारा एलोपैथिक का तो ज्ञान कितना है, 300 साल पुराना ही तो है। बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं अंगूठा चूसने वाले। मैं क्षमा चाहूँगा हमारे आयुर्वेदिक जितने डॉक्टर हैं उनको ऐसा कहने के लिए, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है, उसे तो बाहर आना ही पड़े जी। तो डायबिटीज से डरो मत, डायबिटीज़ का सामना करना है, डायबिटीज़ को मैनेज करना है, घर बैठे हो जाना है, और बहुत ही आसान है। एक बार आपने इसको कंट्रोल कर लिया ना, आपकी हार्ट की बीमारी भी ठीक होती है, आपकी ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, और आपको बहुत सारे जैसे कैंसर वैंसर ये सब ना, हमारे टिश्यू के अंदर जो चेंजेज आते हैं वो सब रुक जाएंगे। क्रॉनिक हमारे को जो किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सब नहीं होगा। तो सर कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए आपने कहा ना घर बैठे ठीक कर सकते हैं, तो जो लोग देख रहे हैं अगर वो आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं तो उसका आपका एड्रेस मोबाइल नंबर दे दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे। लेकिन जो लोग घर पर ऐसे डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं, क्या लाइफस्टाइल उन्हें अपनाना चाहिए, क्या खानपान उन्हें रखना चाहिए, और कितना टाइम लग सकता है अगर उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है? देखिए, अब ये जितना टाइम लग सकता है ये तो कहना, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट कितनी एज का है, कितना उसको सालों से डायबिटीज़ है, उसकी पैनक्रियाटिक इस समय स्थिति क्या है, उसके अंदर इंसुलिन कितनी बन रही है, ऐसे कई सारे फैक्टर हैं। उसी फैक्टर में हम किसी को कह सकते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते जी। लेकिन इसको एक सिद्धांत के रूप में ऐसे जान लीजिए कि आपका एक घर है, आपका एक अपार्टमेंट है, आप वहाँ पे सामान मंगाते हो जी, राशन का, जिसमें गेहूँ है, चावल है, ये है। तो आप अपने घर में देख लो कि भैया मेरा सामान अगर पूरा भरा हुआ है तो पहले मैं उसको ख़त्म कर दूँ फिर मैं मंगाऊँ। तो सामान क्या है? शुगर है जो हमारी बॉडी में भरा हुआ, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है? शुगर डालना बिल्कुल बंद, सामान अंदर बनाना बंद, एक्सरसाइज शुरू कर दो, वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉकिंग होती है। वॉकिंग करने से क्या होता है, इस सस्टेनेबल एक्सरसाइज है, वो आप अपने हिसाब से कर लो, अपना टाइम सेट कर लो, आपको मॉर्निंग करनी है, इवनिंग करनी है, जैसा आपका है, लेकिन ज़्यादा थको मत। हाँ। धीरे धीरे बढ़ाओ उसको।
और जब वॉकिंग हो गया, खाना ख़त्म हो गया आपका, आप मिठाई विठाई नहीं खा रहे, तो अब आप खाना जो हम खाते हैं वो एक तो खाने का कोई टाइम नहीं, आप थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, जब भूख लगे तब खाओ, थोड़ा थोड़ा, जब भी भूख लगे तब खाओ, कोई नेसेसरी नहीं कि लंच करना है जी अब ये करना, नो, ऑन डिमांड। डिमांड क्या है कि भूख कब लगती है, जब हमारी एनर्जी पूरा, हमारी अग्नि जो है उसको खा जाती है जो हमारे अंदर है। तो जब भूख लगती है तो अब खाने में प्रेफरेंस क्या देंगे, हमारे पास दाल भी रखी है, रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, सलाद भी रखा है जी, हैं अचार भी रखा है, अब आपको ये चुनना है कि इसमें से मैं क्या खाऊँ। तो प्रेफर ये कीजिए कि सबसे पहले सलाद खूब खा लीजिए, खूब सारा सलाद काट के, टमाटर, गाजर, मूली, शलजम, जो भी सीजनल आ रहा है काट, फ्रूट्स भी ले सकते हो साथ में। उसके बाद में आप अचार ले लो, अचार खूब खाओ, कोई अचार खा सकते हैं खूब, क्योंकि नमकीन है वो, तो नमकीन है और ऑयल है उसके अंदर, और मिनरल विटामिन, अचार के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल विटामिन होते हैं जी, क्योंकि वो रिजर्व्ड कच्चा फ्रूट्स हैं। हाँ, आम है कच्चा फ्रूट्स होता है, नींबू है, आंवला है, ये सब कच्ची चीज़ें हैं, तो वो प्रिजर्व रह जाते हैं। ये हमारा पिकल सिस्टम आयुर्वेद का सिस्टम है, अचार जो है आयुर्वेद की दवाई है। अब आ गई आपकी रोटी, रोटी में आप बेसन है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इन सब चीज़ों को, जौ है, मिलेट्स आजकल हैं बहुत, रागी है, इन सब चीज़ को आटे को प्रेफरेंस करो, मतलब मोटा अनाज, मोटा अनाज को, गेहूँ कम कर दो, कम कर दो 10% 20%, और चावल तो आप छोड़ ही दो बिल्कुल, कभी रेयरली चावल की जगह मिलेट्स आते हैं, मिलेट के भी चावल आते हैं, कुटकी है, कनकी है, बेनियार्ड मिलेट है, झिंगोरा चावल है, हम लोग उसी से इस्तेमाल करते हैं। तो वो अब आपकी दाल आप चाहे जितनी खा लो, कोई सी भी, हाँ दाल हो गए, चावल हो गए, सब्जी हो गई और रोटी हो गई। और सर कई लोग कहते हैं, फ्रूट्स में भी कहते हैं इस फ्रूट से शुगर बढ़ता है, तो कौन से फ्रूट छोड़ने चाहिए, कौन से खाने चाहिए? देखिए फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज होता है जी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज थोड़े डिफरेंट, हाँ जी, तो हमारी बॉडी में फ्रक्टोज एकदम से नहीं ब्लड शुगर बढ़ाता जी, लेकिन अगर हम ग्लूकोज ले लेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो फ्रूट्स के लिए तो आप खा सकते, कोई सा भी खा सकते हो, वो ऑन डिमांड खा सकते हो, लेकिन जब तक आपकी शुगर कंट्रोल ना होने लगे तब तक उसको थोड़ा सा साइड में रखो। लेकिन केले वगैरह की चीज़ खा सकते हो आप, नाशपाती है, सेब है, अंगूर को मैं, हाँ मतलब शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, या गन्ने का रस है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मीठी फल जो है उसको आप बंद कर, तो सारी चीज़ खा लिया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। दूध को जरूर बनेंगे, दूध की जगह आप दही या मट्ठा दें, ओके मतलब दूध अवॉइड करना चाहिए, दूध अवॉइड करना चाहिए। और सर लेकिन कई लोग कहेंगे हम दूध नहीं पीते, हम तो कॉफ़ी पी लेते हैं, पत्ती डाल, कॉफ़ी पी लो आप, ब्लैक कॉफ़ी, टी ले लो आप, ब्लैक टी ले लो, मतलब मिल्क का यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। और क्या खाओगे जी, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है लोगों के लिए, तो बहुत आसान है, और जहाँ वेट कम होना शुरू हो जाएगा, हाँ जी, समझ लीजिए आपकी लड़ाई जीतनी आपने शुरू कर दी। फिर भी सर ऑन एवरेज मान लो मेरी एज का कोई है जैसे 4-5 साल से शुगर है, उसे कितना टाइम लग सकता है, या 10 साल से शुगर है? बहुत जल्दी, अगर आपकी एज का है तो 1 महीने, 1 हफ्ते के अंदर ही कंट्रोल हो जाए। अच्छा, मतलब हो जाता है लगभग 10-15 दिन में भी? हाँ, कंट्रोल, हाँ, हाँ। लेकिन आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है कि 120 शुगर हो और 80 हो जाए, कि आपकी फास्टिंग 120 हो, 140 हो, और सॉरी फास्टिंग अगर आपकी 80 हो या 90 हो, और जो पीपी है पोस्ट पेंट्रियल जिसे कहते हैं खाने के बाद में, वो आपकी 140 से 160 होगी, तो आपको एक डरा दिया, हाँ क्या शुगर बढ़ गई, कुछ हो जाए, इसलिए लोग बार बार चेक करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इससे कुछ नहीं होगा, आपकी 250 तक भी हो जाती है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, नहीं मतलब आज तक किसी को ऐसा कहते नहीं सुना ना कि 250 तक भी हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो फिर ये इतना हल्ला क्या होता है? हल्ला इसलिए है क्योंकि दवाइयाँ बिकनी है, इंसुलिन बिकनी है, ओके, यहाँ षड्यंत्र आ जाएगा बहुत बड़ा, कोरोना के साथ भी हुआ है, हाँ। अब उस बात को हम ये बंद करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी समझ लो बॉडी की, कि हम जब खाएंगे बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो लड़ना क्या, थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा। हाँ, अगर हम रात को 9 बजे खाना खाते हैं और 1.5 घंटे बाद शुगर लेते हैं तो हमारी 250 निकलती है अगर जी, तो जब हम रात को सो जाएंगे सुबह आपको कम मिलेगी। हाँ, हमने दिन में खाना खाया और हमारी शुगर थोड़ी सी बढ़ी निकली,
हम 3-4 बजे हमने वॉकिंग कर लिया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, पता चला वॉक करके आए तो डाउन हो गई। तो ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, शुरू में जब कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा ऊपर होगा ज़्यादा नीचे होगा, धीरे धीरे वो, ये तो ऐसा है जैसे आपने एक बॉल उछाली ऊपर, नीचे गिरी, टप्पा खाया, 2-3 टप्पे करने के बाद में वो सेटल हो जाती है। तो ऐसी शुगर का जब आपने इंसुलिन बंद कर दी, शुगर बढ़ गई जी। अब आपने इसको बंद कर, तो टप्पा जो है ऊपर गया, बजाय के लंबे टाइम तक रहे या जो सिम्टम्स आपने बताए वो दिखे, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। कितनी भी शुगर बढ़ जाएगी, मैं कभी इंसुलिन देना प्रेफर नहीं करता, अक्यूरेबल है, अक्यूरेबल है।